जिसकी एकता हर रोज दरकती हुई नजर आ रही है, और उसके पीछे की वजह क्या है, ये भी इस पर भी चर्चा करेंगे और अपने खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे इस पूरे विषय पर। 28 दलों के इंडिया गठबंधन में चट्टानी एकता को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, और जब शुरुआत में ये गठबंधन बना था तो ये कहा जा रहा था कि ये गठबंधन जो 28 दलों का है, 27 से शुरू हुआ था, 28 का हुआ, और कहा गया कि ये और बढ़ेगा और इसमें जो है और मजबूती आएगी। इसका नाम जो है वो चट्टानी एकता कहा गया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन उस दावे के उलट लगातार इसमें जो असंतोष की खबरें हैं, जो असंतोष है वो लगातार दिखाई दे रहा है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर गठबंधन को ना कह दिया है। ममता बनर्जी के एकतरफा ऐलान से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बड़ी चुनौती मिली है, और उनकी सीट से भी एक क्रिकेट खिलाड़ी को उतारकर अधीर रंजन चौधरी को बड़ी चुनौती दी है। कांग्रेस ने, टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतारा है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन से बातचीत का दावा करती है, लेकिन ये दावे सिर्फ हवा हवाई साबित होते हैं, क्योंकि सीपीआई ने, अब झारखंड की बात करें तो सीपीआई ने झारखंड में अकेले जाने का फैसला लिया है, और 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है सीपीआई ने झारखंड में। 14 में से 8 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। केरल में लेफ्ट पार्टियों ने राहुल गांधी और शशि थरूर के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन कहां टिकता है और कहां दिखता है। यानी पंजाब की तरफ फ्रेंडली फाइट नहीं होगी बल्कि संघर्ष होगा, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को लेकर पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे ज्यादा सीट चाहते हैं। उधर यूपी में अपनी सीटों का ऐलान करके सपा ने बीएसपी के साथ किसी भी तरह के अलायंस की संभावना को खारिज किया है। यानी समाजवादी पार्टी बसपा के साथ नहीं जाना चाहती, मायावती के साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन कांग्रेस को अभी भी मायावती के गठबंधन में आने की उम्मीद है, और वो लगातार इसकी कोशिश भी कर रही है, ऐसी खबरें लगातार आ रही है, लेकिन मायावती ने जरूर इसका खंडन किया है। अब क्षेत्रीय पार्टियों को गठबंधन को लेकर दिलचस्पी कम होती जा रही है, आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी को हराने की क्षमता नहीं है। ये केरल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी को हराने की क्षमता ही नहीं बची है। शायद गठबंधन दरकने का कारण भी यही है कि अब दलों को लगता है कि बीजेपी को हरा नहीं सकती, कांग्रेस उससे लड़ नहीं सकती, लेकिन बीजेपी अपना उधर कुनबा लगातार बढ़ा रही है, राजग जो है एनडीए वो लगातार बढ़ रहा है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ कहते हैं कि अकाली और बीजेपी नेचुरल एलाइज हैं, तो अकाली दल के साथ में एक बार फिर से अलायंस की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। बीजेपी तलाश रही है और अकाली दल भी उसको तलाश रहा है। सुनील जाखड़ इसे बादल साहब के पंजाब के लिए हीलिंग टच मानते हैं। वो कहते हैं कि बादल साहब कहते थे कि बीजेपी और अकाली जो है वो पंजाब के लिए हीलिंग टच है। टीडीपी, बीजेडी और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी के गठबंधन ने पार्टी के दक्षिण विस्तार को और बल दिया है, तो दक्षिण में विस्तार के लिए जो संभावनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं पार्टी के लिए। बीजेडी के साथ में गठबंधन की संभावनाएं कही जा रही हैं, साथ ही साथ टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ में गठबंधन का ऐलान हो चुका है। तो अब सवाल नीति, नियत और नेतृत्व को लेकर भी है। पीएम मोदी के खिलाफ नेतृत्व कौन करेगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में देश में विस्तारित 1,00,000 करोड़ रुपए की 114 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदल रहा है, दुनिया भारत को एक अलग नज़रिए से देख रही है, लेकिन अगर किसी को सबसे अधिक दिक्कत है जो ये तमाम विकास हो रहा है तो वह है कांग्रेस और उसके गठबंधन को। आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन। उनकी नींद हराम हो गई है, इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या।
और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। इंडी गठबंधन का चरित्र नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उनके चश्मे का नंबर अभी तक नहीं बदला है, यह प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया। और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। यूसुफ पठान को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी यूसुफ पठान का सम्मान करना चाहती थी तो उन्हें बाहरी लोगों को भेजने के बजाय उन्हें राज्यसभा में भेजना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी यूसुफ पठान के लिए अच्छे इरादे रखती तो वह ऐसा ना करती। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहां उनको इसलिए भेजा गया कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। और यह ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी, क्योंकि जिनकी जुबान में, जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते, जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होते, जिनकी सोच में कायरता है, सोच में चलाकी है, उसको भरोसा ना करना ही मुनासिब होगी। और टीएमसी द्वारा पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ एक सम्मानजनक सीट बंटवारे का फॉर्मूला चाहती है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पता नहीं किस दबाव में उम्मीदवारों की घोषणा की है। रिस्पेक्टेबल सीट शेयरिंग फॉर्मूला मींस म्यूचुअल नेगोशिएशंस, गिव एंड टेक, सम कॉम्प्रोमाइज। We have always said that our doors are open for seat sharing negotiations and seat sharing talks, but there should be no unilateral announcement of the seats. So what can I say? I mean, the TMC has announced. I don't know what pressures there were on the TMC, but as far as we are concerned, we want to strengthen the India Alliance, India Group in West Bengal. और टीएमसी द्वारा बंगाल में 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब गठबंधन की पार्टियों को यह तय करना होगा कि वे अब कैसे चुनाव लड़ेंगे। वो तो उनकी मर्जी है, हर पार्टी अपनी अपनी निर्णय लेती है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अकेले लड़ेंगे चुनाव। अब इसके आधार पर बाकी इंडिया पार्टियों को तय करना है कि किस तरीके से जाएंगे। शुरुआत होगी आज और ये चलता रहेगा जब तक चुनाव का घोषणा ना हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। अनुजा जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रभात कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, प्रभात जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, ये जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी, इंडी गठबंधन की, तो ये बड़े जोर शोर से कहा जा रहा था कि ये चट्टानी एकता का होगा। और 27 दल शुरू में जुड़े थे, फिर एक दल और आया और कहा, ये कहा गया कि अभी इसका विस्तार होगा। लेकिन विस्तार होने के बजाय ये लगातार जिस तरह से आपसी दबाव में और असंतोष जो है
वो जिस तरह से बाहर आ रहा है उससे लग रहा है कि इससे तो और नुकसान ही होने जा रहा है, जो दल है आपस में मिलकर लड़ने के बजाय अलग अलग ही लड़ते तो ठीक रहता। निखिल, अभी आपका अपनी रिपोर्ट के साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी का आपने एक साउंड बाइट भी सुनाया था, जो अभी गुड़गांव में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा जो ये ऑल निगेटिव ही क्यों है उनके चश्मे का नंबर अभी तक, तो ये इस बात को समझा जा सकता है कि देश कितना बदल गया है। इस बात को समझने के बजाय आपके वही पुराने एजेंडे और अगर वही पुराने नैरेटिव हैं तो ये चट्टानी एकता जो आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में उसका दरकना तो स्वाभाविक है। इसमें आप सब देख स्वाभाविक से रूप से देख लीजिए कि क्या CPI CPM के साथ में और TMC के साथ में कांग्रेस का अलायंस वहाँ पश्चिम बंगाल में हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन मंच पे आपने आके वो 28 दलों का जब हाथ उठाते हुए आपने दिखाया तो सारे नेताओं को एक साथ दिखाया, ममता बनर्जी के साथ आपने सीताराम येचुरी को भी दिखाया, लेकिन आपके साथ में वो केरल में क्या हुआ? वहाँ अगर आप फ्रेंडली फाइट नहीं कर रहे हैं और केरल आप पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने इसका जवाब दिया कि ये डुप्लीकेसी आप छोड़िए। और ये डुप्लीकेसी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी सीरियसली उनके खिलाफ में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ में कैंडिडेट यूसुफ पठान को दिया है। आप जानते ही होंगे उसके पीछे लॉजिक भी है, वहाँ 52-53% वहाँ भाई माइनॉरिटी वोट है और जाहिर सी बात है ममता बनर्जी ने वहाँ एक कैंडिडेट उतार के कांग्रेस की संकट को बढ़ा दिया। अब रही बात की आप जब आप देखिए कि यही खेल तो वहाँ CPM के भी और CPI ने भी किया, जब वो राहुल गांधी के अगेंस्ट में वायनाड से ए राजा की वाइफ पत्नी को उतार सकते हैं, दो बार तीन बार के सांसद रहे हैं अपने शशि थरूर जी उनके खिलाफ उतार सकते हैं, तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं उतारे? उनको ये नीति जो अभी जयराम रमेश कह रहे हैं दे रहे थे तो वो इस गठबंधन के धर्म को तो वो आप किस तरह से ये तार तार अपने ही लोग कर रहे हैं उस बात को आप देख लें जी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है जो जो बात अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे वो कांग्रेस की मजबूरी की है। जो पेनियर्स अभी जो आप देख रहे थे, आपने कहा विजयन केरल के CM जो कह रहे थे कि कांग्रेस में क्षमता ही नहीं बची है, तो अगर आप उसके क्षमता पे सवाल उठाते हैं फिर ये गठबंधन इंडिया गठबंधन का नाम का मतलब क्या होता है? और यही वजह है कि जब आप मायावती के तरफ अभी भी UP में टकटकी लगाए हुए हैं कि मायावती कभी भी अलायंस में आ सकती है, तो अखिलेश ने किस तरह से अपने सीटों का अनाउंस कर दिया है, कांग्रेस को अगर BSP के साथ करना है तो कर ले। तो ये जो मजबूरी है उसकी कांग्रेस की, ये ज्यादा उसमें दिख रही है कि गठबंधन के नाम पे आपने एक मजबूरी का बंधन बनाया है जिसमें लोग सारे रीजनल पार्टी जो है अपने अपने जो इलाके हैं उनका उसको वो खोजने में लगे हुए हैं। निखिल जी, जी 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 प्रभात कुमार, तो कैसे समझा जाए, आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? क्यों नहीं परवान चढ़ रहा है ये जो विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन था, आखिर क्यों नहीं परवान चढ़ा? आप झारखंड से लेकर बंगाल तक आप इसको देखें, चाहे पंजाब की बात करें, आप केरल में बात करें, यहाँ तक कि आपके जो सबसे शीर्ष नेता हैं उनके खिलाफ भी प्रत्याशी उतार दिया गया, तो ये क्या क्या वजह रही, क्या मजबूरी थी कांग्रेस की ऐसे गठबंधन में बने रहने की? निखिल भाई, सर्वप्रथम आपको एवं मेरे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। जी, स्वागत है आपका। जी निखिल भाई, हमने एक कॉमन प्रोग्राम दिया था, वो प्रोग्राम था देश में संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए, वो प्रोग्राम था लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो प्रोग्राम था संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए। आज भी हमने वही कहा है। रह गई बात, आप समझ सकते हैं हर एक राजनीतिक दल का अपना अपना व्यक्तिगत वजूद होता है अपने क्षेत्र में, तो जो प्रादेशिक पार्टियां हैं उन हो सकता है कुछ तो कारण रहा होगा, यूं ही तो कोई बेवफा होता नहीं। अब आप सोचना इस चीज को निखिल भाई, पिछले कुछ महीनों का मैं एक खाका रख रहा हूं, जितने विपक्षी पार्टियों की सरकार जिन जिन प्रदेशों में है, आपने प्रधानमंत्री के साथ साथ एक दौरा और देखा होगा, और वो दौरा कर रही थी ED CBI IT, वो भी एक पैरेलल दौरा कर रही थी प्रधानमंत्री जी के साथ। हाँ, वो अलग बात है कि वो मणिपुर नहीं जाती क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी मणिपुर नहीं गए, ये अलग बात है कि भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं जाती, महाराष्ट्र जाने से मना कर दिया होगा। अब अजीत दादा पवार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में आ गए हैं, अब 70,000 करोड़ के घोटाले की फाइल कहां पड़ी है ये सोचना पड़ेगा एक बार। छगन भुजबल जी आ चुके हैं अब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, तो ये जो देश भी देख रहा है, ये जो परिस्थितियां है ये देश देख रहा है। और मैं निखिल भाई ये मानता हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी कोई भी
उसका कद उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर आम लोगों का। तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से जो आपके सहयोगी थे वो बिखर गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा वक्त दीजिए बस, क्योंकि मैं मुद्दों की बात करने में विश्वास रखता हूं। हमने 5 गारंटी दी, हमने कहा कि जो 30 लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हैं, हम सरकार में आते उसको फुलफिल करेंगे। हमने कहा जो गिग वर्कर हैं उनको पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे, उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। हमने कहा कि जो सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधलियां होती है, जैसे अभी आप अभी ताजा उदाहरण, नहीं ये जो आपका चुनावी घोषणा पत्र है ये तो ठीक है, ये बात है, क्या आपके इस चुनावी घोषणा पत्र से आपके सहयोगी जो भी आपने घोषणा की आपने 30 लाख नौकरियों की बात कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, मैं आपके उस पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के हैसियत के तौर पर आप कोई भी आप मुद्दे दे सकते हैं जनता के बीच में, लेकिन मेरा जो प्रश्न है क्यों घोषणा पत्र नहीं है देश के युवाओं, ठीक है कुछ भी है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, ना ही वो प्रश्न है, मैं ये सीधे सीधे सवाल कर रहा हूँ। तो क्या आपके सहयोगियों को उस पर विश्वास नहीं था, वो क्यों नहीं आपके साथ खड़े हैं? अभी मैं बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर इनके सहयोगियों को इन पर विश्वास है कि नहीं मुझे नहीं पता, बिहार के अंदर इनके सहयोगियों को इन पर विश्वास है कि नहीं मुझे नहीं पता, और सबसे बड़ी बात निखिल भाई इनको खुद अपनों पर विश्वास नहीं है। अरे आप अपने विश्वास की बात करिए ना, आप जो 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 विश्वास की बात होगी जी, हमारा आज प्रधानमंत्री जी मंच से कहते हैं एक विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है उसको घमंड दिया, तो कहने में मुझे गुरेज नहीं होगा कि ये भी पाखंडिया लोग हैं, पाखंड फैलाते हैं, जुमले फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं देश में। ठीक है, आपने सारी बात कही प्रभात जी, लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों नहीं परवान चढ़ रहा गठबंधन। आपने बताया कि आपके पास इतना एजेंडा है, आपके पास इतनी बातें हैं, नीतियां हैं, उसके बावजूद लोग आपके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? एक मिनट, 2004 में ये गठबंधन नहीं था, एक कद्दावर चेहरा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में थे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, इंडिया साइनिंग, फील गुड इंडिया, सारे नारे चल रहे थे जैसे अभी 400 पार चल रहा है, लेकिन हमने उनको हराने का काम किया और अगले 10 वर्षों तक हम सरकार में रहे। 2004 में भी हराया, 2009 में भी हराया। अब वो आपके बगल में बैठी हुई हैं जो बीजेपी की प्रवक्ता, वो भी कहेंगे आपको 2014 में हराया, 2019 के हराया, आप फिर 2004 में पहुंच गए। मेरे सवाल का जवाब बहरहाल प्रभात जी आपने नहीं दिया, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अनुजा कपूर के पास जाएंगे, अनुजा कपूर जी ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है दरअसल लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और इनकी पार्टियों का सहयोग नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ईडी और सीबीआई के दबाव में है। खुलकर नहीं कह रहे लेकिन शायद कहना यही चाहते हैं। नहीं, हम तो खुल के कह रहे हैं, चलिए खुलकर भी कह रहे हैं। जय श्री राम निखिल जी, प्रभात भैया, जय श्री राम, सबको जय श्री राम, आपको अच्छा लगा आप हमारे साथ बैठ गए डिबेट पर। जी जी, जय जय श्री राम जी। और विनोद भैया आपको भी बहुत बहुत श्री राम जी की कहते हैं ना आशीर्वाद मिलता रहे। मुझे लगता है कि आज जिस डिबेट के ऊपर बात हो रही है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है, वो टॉपिक यही है 2004 और 2009 में जब कांग्रेस की बात अभी प्रभात भैया बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भूल रहे हैं कि 2004 और 2009 में खड़गे जी नहीं थे शायद, जो ये कहते थे कि बीएलओ जो है मेरा कार्यकर्ता उसको किसी कुत्ते के साथ कहीं आपने मिलाया। आज लोगों का ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपके खुद के कार्यकर्ता, आपके खुद के लीडरों को हो रहा है, क्योंकि जो आप कहते हैं वॉक द टॉक वो आप कर नहीं पाते, और इसी की वजह का, इसी की खामियाजा आपके खुद कार्यकर्ता लीडर्स भुगत रहे हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते नहीं, बजट अलॉटिकेट नहीं करते। कर्नाटका का ये हाल रहा है, तेलंगाना में अडानी को आप बोलते हैं कि वो मोदी जी के साथ है और अडानी का ही साथ आपने तेलंगाना में लेते हैं, वहां पर आप कितने करोड़ रुपीज 1400 करोड़ का तो तेलंगाना के अंदर प्रोजेक्ट लगाते हैं, ऊपर से 1000 करोड़ का और ड्रोन सिस्टम और मिसाइल का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप राजस्थान में उनके साथ प्रोजेक्ट लगाते हैं। आपने जो कहा 2004 और 2009 की बात, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि 2004 और 2009 के अंदर आपने बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही जुमले वाली बातें आप ही लोगों ने कही। जुमला हम लोग नहीं देते, जुमला का छुनछुना आप लोग देते हैं। आपने लोन्स को वेव ऑफ करना नहीं समझा ठीक, आपने एम्प्लॉयमेंट अलायंस नहीं दिया, आपने 1500 का जो मंथ का औरतों को देने थे अकाउंट में वो आपने नहीं दिया, 10 महीने के आने के बाद भी 10 महीने तक आपने नहीं दिया। आपने कहा कि हम काउडन को परचेज करेंगे, मैं ये बता रही हूँ कि मोदी जी का उसके फौरन 2014 में आने के बाद मोदी जी ने जो कहा वो कैसे करते चले गए। आपने कहा कि हम डायरेक्ट इनकम टू फार्मर्स देंगे 2004-2009 में, 10 साल
साल हो गए आपसे वो काम ना हो सका। 2004 में आपने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी हम घरों तक पहुंचाएंगे, और जैसे ही मोदी जी आए उन्होंने 18,452 विलेजेस के अंदर आते ही इलेक्ट्रिसिटी दी, 6,000 का असिस्टेंस सबके घरों में डीपीटी फार्मर्स के यहाँ पर पहुंचा, और उसके ऊपर तो बहुत चीजें हो ही रही है उनके लिए। ये मैं वो बता रही हूँ जब आते ही हम लोगों ने कहा, आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस रखेंगे हम टेररिज्म की तरफ, आपने आते ही पोटा का लॉ डाइल्यूट कर दिया। आपने कहा कि रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक्स ईडब्ल्यूएस के साथ हम खड़े होंगे, आपसे वो काम नहीं हुआ। मोदी जी ने आते ही 10% ईडब्ल्यूए को स्थापित कर दिया। आपने कहा वन ट्रैक वन पेंशन आप देंगे आर्म फोर्सेस के की तरफ, आपसे वो काम नहीं हुआ। आपने ईडब्ल्यू के साथ साथ वन ट्रैक वन पेंशन का काम ना करते, वो भी मोदी जी ने आते ही दिया। ठीक है अनुजा जी, करप्शन के बाद के साथ ठीक है अनुजा जी, दरअसल मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका गठबंधन जो है वो देखिए वो बढ़ रहा है, इनका नहीं है। मूल सवाल मेरा यही था कि आखिर क्या क्या इसके पीछे की क्या वजह है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जो आपके साथी हैं वो जिस भी वजह से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ का जो साथ छोड़ रहे हैं वो लोग ईडी और सीबीआई की वजह से छोड़ रहे हैं। निखिल भाई मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि उस टाइम पर जिसको केज्ड पैरेट का नाम दिया जाता था वो सीबीआई और ईडी को मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं के लिए कहा था। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या उस वक्त क्या भाजपा ऑपोजिशन में नहीं थी, क्या इनको भाजपा के खिलाफ कोई भी सीबीआई के चार्ज या ईडी के चार्ज इनको नजर नहीं आते थे? क्या इसका मतलब भाजपा साफ थी इनके टाइम पर भी, आज ये खुलकर ये बात बोले? मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम आपने हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाते थे। तो आप ये बताइए कि क्या भाजपा भी उस वक्त साफ थी इसीलिए आपको हरा कर आ गई? क्या आज राजस्थान आपके हाथ में नहीं है, आज आपके हाथ में मध्य प्रदेश जो ऑलरेडी पहले से नहीं रहा है, 2-3 बार हम लोग निकल कर, और क्या 2006 से आ रहे हैं, आपके हाथ में छत्तीसगढ़ नहीं है, आज तेलंगाना के अंदर भाजपा का जो वोट शेयरिंग है वो बढ़ रहा है, सिर्फ सीट भाजपा की बढ़ रही है। आप बताइए आप कहाँ खड़े हैं? आज चंडीगढ़ के भी जो आप जहाँ पर आप आज बात करते हैं वहां पर भी आप नजर नहीं आते हैं। आप जिस बात की बात सामने नजर आती बात कर रहे हैं, क्योंकि वॉक द टॉक आपके अंदर है नहीं। आप इंडिया अलायंस का गठबंधन आपने क्यों किया? इंडिया अलायंस का गठबंधन आपने इसीलिए किया क्योंकि आप राहुल बाबा को फिर से लॉन्च करना चाहते थे, जो बार बार वो फेलियर नजर आ रहे थे, और उनका लॉन्चिंग आपके इंडी गठबंधन को पसंद नहीं है। ये इसमें भाजपा नहीं। और एक और बात कहती हूँ निखिल भाई, टीएमसी ने एक ही अभी रिसेंटली कहा है कि भाजपा का वोट शेयर जो है वो विक्ट्री बढ़ा नहीं है, वो कांग्रेस जो है वो घट गया है, कांग्रेस गिर गई है। वो ये टीएमसी की बातचीत है, कांग्रेस ये कहता है कि कांग्रेस खत्म हो गया, ये टीएमसी का कहना कि भाजपा विक्ट्री की तरफ नहीं, ठीक है कांग्रेस गिर गया। जवाब जवाब ले लेते हैं, सोच रहे हैं कि इंडी गठबंधन के साथ ठीक है ठीक है। जवाब जवाब ले लेते हैं अनुजा जी, जवाब ले लेते हैं प्रभात कुमार से, जवाब ले लेते हैं प्रभात कुमार से। जवाब प्रभात जी, एक सवाल जो लगातार सभी लोग उठा रहे हैं, जो आप जवाब दीजिएगा, मेरा एक जो प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि लगातार सभी लोग ये कह रहे हैं कि इतनी लानत मलानत सहने की जरूरत क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और जो बीजेपी की लोकप्रियता उसके खिलाफ अकेले खड़ा होने का दम नहीं है कांग्रेस पार्टी में? अकेले लड़ लेते, क्यों इतने लोगों को आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं और लोग लतियाए जा रहे हैं? निखिल भाई, आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा जी। मैं अपनी बहन की बात से शुरुआत करता हूं। इन्होंने कहा पिछले पांच राज्यों के चुनाव की बात, बहन एक बार डाटा उठा के देखना इलेक्शन कमीशन का, आपसे 8 लाख ज्यादा वोट हमें मिले हैं, देख लेना एक बार आप। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि भाई मोदी से लड़ने की क्षमता नहीं है कि आप जोड़ रहे हो कुंभ में, तो ये गली गली जो घूम के मोदी जी जोड़ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे निखिल भाई? उसका भी कुछ नाम आप दीजिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद बेहतर नाम आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि एक अकेला सब प्रभारी नहीं है, ये तो आज साबित हो गया। दूसरी, इन्होंने जुमले की बात करी, अरे अनुजा जी जुमला शब्द मैंने नहीं कहा था, आपके ही गृह मंत्री जी ने कहा था, जयशाह जी के पिताजी ने, कि ये जुमलेबाजी थी, चुनावी जुमलेबाजी। जयशाह जी के पिताजी ने कहा था, हमने नहीं कहा था, एक बार देखना, जो 15-15 लाख की बात हो रही थी, आपने कहा हम जो कहते हैं करते हैं, आपने कहा था कि नहीं कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे? दिया क्या? दिया आपने रोजगार? आप महिला सुरक्षा की बात करती हो, मणिपुर में नग्न परेड करवाई जाती है, प्रधानमंत्री जी 78 दिन तक नहीं बोल पाते हैं, यह है महिला सुरक्षा आपकी, या उसको महिला सुरक्षा कहती हो आप? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, हमारे पास समय बहुत कम रह गया, इसलिए मैं चाहूंगा बहुत जल्दी जल्दी अनुजा जी जवाब आप देना चाहती हैं। जो संदेश खाली में टीएमसी के साथ खड़ा हो, जो औरतों बिल्कुल औरतों के बलात्कार के साथ जघन्य अपराध है, उसको वहां पर जाकर
उसको दोहरा दंड दिया जाए, क्या बोलोगे भूषण सिंह को ऐसे ही दंड दिया जाए? कुछ कहते हैं अनुजा जी, भाग नहीं दूंगा मैं, कहता हूँ संदेश खाली के अपराधी को दोहरा दोहरा दंड दिया जाए, दो बार फांसी दी जाए, भूषण सिंह पर और कुलदीप सेंगर पर और बाकी जो आपके अभी जो आए हैं रावत साहब का वीडियो। एक दूसरे को मत बोलिए, एक दूसरे को मत बोलिए, एक दूसरे को मत बोलिए। डीडी की डिबेट है भाई, ये नेशनल डिबेट है। अनुजा जी जारी रखिए। जी तो मुझे जहां लगता है कि जहां पे पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं मणिपुर की, उसके बारे में बहुत कुछ आकर कहा गया, बुलाया गया मोदी जी को, मोदी जी आए, मोदी जी बोले, ये भाग गए। आज जो राहुल गांधी के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, जहां जहां से निकलते हैं वाह वाह पे बड़ा गर्व हो जाता है, वाह वाह के स्टेट के जो लोग हैं इनके साथ खड़े होते हैं, जवाब देने का मौका दीजिएगा, वो मना कर देते हैं, वो ये कह देते हैं कि हम इनके साथ खड़े नहीं होना चाहते। आज जहां पर ये लोग बात करते हैं कि पैसा कहां पर, आज ब्लैक मनी की बात करते हैं तो इन्हीं के में से 500 करोड़ रुपए हम लोग निकाल के ला रहे हैं। आज ये अडानी के साथ ये लोग दरअसल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुजा जी, ठीक है, ठीक है अनुजा जी ठीक है, मैं विकसित भारत और सशक्त कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुजा जी सुनिए, तो बात सुनिए अनुजा जी, आप भी सुनिए और प्रभात कुमार आप भी सुनिए, विनोद जी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे इस बात को कि दरअसल जो हमारी चर्चा थी, आप लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप दूसरे ढंग के लगाने लगे हैं, हमारी चर्चा का विषय यह है ही नहीं है, और दरअसल आप कुछ कह रहे हैं प्रभात जी, उसका जवाब वो दे रही हैं, वो दे रहे हैं उसका जवाब वो दे रहे हैं, इसलिए मेरी जो चर्चा है वो कम से कम डिरेल ना हो। मैं चाहता हूं कि जाते जाते मैं विनोद जी को चाहूंगा कि उस सब को एक सब्सटैंशियल तरीके से उसको क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है और आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बारी में दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप लगाए हैं। विनोद जी मैं चाहता हूं कि ये जो गठबंधन की बात हो रही थी, दरअसल आप उस तक सीमित रहें, गठबंधन की बात करें, और मैं चाहूंगा आप समप करें इस बात से कि क्या ये जो जिस तरह से एक के बाद एक टूट हो रही है और जिस तरह से एनडीए में लोग जुड़ रहे हैं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव या एक मनोवैज्ञानिक बढ़त कहीं ना कहीं एनडीए लेता हुआ दिख रहा है एनडीए के ऊपर? नहीं, मैं सुन रहा था, दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था और अपने अपनी पार्टी के लाइन में तो काफी अच्छा उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन हमारे विषय से अलग हट गए। लेकिन सवाल यह है कि वो हमारे विषय पे क्यों रहे, उनको अपना एजेंडा रखना है, वो अपना एजेंडा प्रभात जी रख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्यों उनके पीछे पड़े कि आप हमारे एजेंडे में नहीं है। लेकिन प्रभात जी सवाल क्या है कि जनता आपके इन बातों से क्यों नहीं अभी भी अपना ध्यान आकर्षित कर रही है? आपने 30 लाख नौकरी के वादा किया है और आपने जिस तरह से फिर से जो निखिल कह रहे थे कि घोषणा पत्र ही आपका है एक तरीके से, और आप इस तरह की चीज़ें जो करते रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कर रहे हैं। 2019 के इलेक्शन में आप न्याय योजना लाए थे, उसमें भी आपने 70 लाख अब ये बनाया था कि वहाँ पे आपने देना है आपको 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, तो आप 1 लाख रुपये हर ये आपको परिवार देना है या इंडिविजुअल देना है, जहाँ तक मुझे याद था। लोगों ने नहीं माना आपकी, क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। आप व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आपका ग्राउंड वर्क नहीं है, आप व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि आप एजेंडे में जो देश बदल रहा है, जो पीएम कह रहे थे अभी कि आपने वो चश्मा का अभी तक लेंस नहीं बदला है, आप परसेप्शन की जो राजनीति करते हैं इसलिए लोग जो अभी भी आपके साथ न लोग जुड़ रहे हैं न पार्टियाँ जुड़ रही हैं। अब सवाल है कि आप सीधे सीधे संविधान बचाओ की बात तो करते हैं, लेकिन आप ये बात सामने में नहीं रखते हैं कि अभी जो कट्टर ईमानदार वाले आम आदमी पार्टी थे उनके मंत्री अभी 1.5 साल 2 साल से जेल में बंद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको आप नहीं मानते? क्या हाई कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया आप नहीं मानते? तो इस तरह के नैरेटिव जब आप देते हैं तो संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पे आप सीधे सवाल खड़ा करते हैं और ये देश आपको कतई इसके लिए तैयार नहीं है कि आप अपने अपने नैरेटिव्स में इसको बढ़े। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में हो तो बहुत शानदार फैसला है, आपके अगेंस्ट में हो तो आप फिर सवाल खड़ा करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसलिए करते हैं कि आप सिर्फ परसेप्शन निकाल बात कर रहे हैं। अनुजा जी जो बात कर रही थी वो ग्राउंड वर्क में आपको वो डेटा दे रही थी कि इस देश में काम को लोगों ने देखा है, तो ये 10 साल का जो बदला हुआ भारत है उसको देखने के लिए चश्मा तो कम से कम बदलने की जरूरत है। दरअसल मैं चाहता था, मैं ये चाहता था विनोद जी कि आज जो चर्चा रहे वो गठबंधन पे रहे, सहयोगियों पर रहे, लेकिन एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप रहा। जी निखिल भाई जी, एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ। देखिए अगर कांग्रेस के जो लोग दिग्गज लोग हैं वो छोड़कर
आज एनडीए अलायंस के साथ आकर खड़े हो रहे, भाजपा के साथ खड़े हो रहे, तो वो चाहते हैं कि भाजपा में जो एक सर एक 370 पार कर सके और 400 पार का जो नारा, इसीलिए क्योंकि आइडियोलॉजी है प्रधान सेवक बनने की, कार्यकर्ता बनने की कोशिश करते हैं, हमारी आइडियोलॉजी है। ठीक है, चलिए ठीक है चलिए, अब मैं इसको वाइंड अप करूंगा क्योंकि इस तरह की चर्चा जो है एक दूसरे के साथ चलती रहेगी। मिश्रा जी की बात का जवाब देना है प्लीज। चलिए चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए प्रभात जी। इन्होंने कहा कि आप परसेप्शन की राजनीति करते हो। अरे परसेप्शन की राजनीति, मिश्रा जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हो, इस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा कोई परसेप्शन की राजनीति करने वाले? 10-15 सेकंड ही दे रहा हूं, इसलिए जल्दी करिए जी। पहचान करने वाले लोग, और जो अभी आप कह रहे थे कि पैसे कहां से आएंगे, अव्यवहारिक है। जो राइट ऑफ किया ना 14 लाख करोड़, वो राइट ऑफ नहीं करेंगे कॉर्पोरेट का, वो अपने इन्हीं युवा और किसानों को देंगे, पैसे यहीं से आएंगे मिश्रा जी, और वो आपके घर भी जाएंगे। आप अंत में भी आप अंत में भी वही आरोप प्रत्यारोप में हम लोग जुड़े रहे। फिलहाल प्रभात जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुजा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और